हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुननी है। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे, पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे, ये पक्का है। आज देश में, हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, याद है आपको? आपसे रिवाने आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में, आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था? उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ, फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए, पंजाब के किसान सड़क पे उतरे, एक साल ठंड में, कोरोना के समय
पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई, एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की, 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए, और फिर कहते हैं गलती हुई, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते, हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी, मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में, अमित शाह जी आए बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मामला उठाया, उस समय आपके मित्रों की सरकार थी, उस समय आप उनकी रक्षा कर रहे थे, उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला, और आज आके आप बोलते हो कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है, आपके जो मित्र हैं उन पर हमने एक्शन लिया है, और लेते जाएंगे, और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। होशियारपुर सिद्धू जी ने बहुत अच्छा कहा, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फार्म टूल्स का सेंटर है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी, फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाए। आप अपने खेत में माल उगाओ, सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे, आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा, और सीधा उसको डायरेक्ट
पैसा मेरे पास। और फुटपाथ से होशियारपुर के युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार मिले। हमारी सरकार, आपने देखा होगा, देखिए हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार होती तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में सड़क पर किसान बिल को रोकने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, यह आपने ऐतिहासिक काम किया है।